सुबह के बजे हैं 6:05 अभी हो चुके हैं और हमारी सफ़र की शुरुआत हुई बेल पहाड़ गुमाडरा से। सुबह सुबह सुहाना मौसम था। मैं, बिट्टू और दास जी चल पड़े अपने बाइक में बेल पहाड़ से बलांगीर तक 220 किलोमीटर का सफ़र। तो मैं, दास जी और बिट्टू आज जा रहे हैं हमारे होम टाउन, और वो भी बाइक पे। ये हमारी पहली राइड है बाइक में। हम कभी नहीं गए हैं, मतलब यहाँ आने के बाद बहुत राइड हुआ है बाइक में, अभी तो कार आया वो अलग बात है। अभी हम आज 220 किलोमीटर ऑन व्हील जाएंगे बाइक में होम टाउन तक। तो चलिए, सफ़र कैसा था, क्या था, डिटेल में आप सब से शेयर करती हूँ। और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, तभी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोनों हो गए हैं सेट। हम घर से अभी करीबन कितने किलोमीटर हुआ, 12 या 15 किलोमीटर की दूरी पर ही है। मतलब अभी जब सफर की शुरुआत हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए चलते हैं। इडली खाएगा? मैं नहीं खा रहा। फिर क्या खाएगा? दे दे दे। खाएगा बिट्टू? हमारे तो रेगुलर इडली खाओ छोड़ दो। हम पहुंच गए हैं अभी रेंगाली, और यहाँ पे टिफिन हो गया इडली। रास्ता बहुत ही ख़राब था, इसीलिए 1.5 घंटा अभी बच गए हैं। देख सकते हैं 7:30, और अभी नेक्स्ट स्टॉप पे फिर प्रधानपाली रोड। तुम्हारा प्रधानपाली देखते हैं, चाय के लिए फिर कहीं पे एक रुकेंगे, और फिर नेक्स्ट और विदाउट स्टॉपेज फिर चलेंगे। तो चलिए कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग को। अच्छे कहाँ कर ढूंढे पानी ढूंढे इटली ठेले के थोड़ा आगे ही हमें चाय मिल गई। तो यहाँ से चाय पीने के बाद अभी बस 1 किलोमीटर की दूरी पर ही NH है, जो कि है बिजू एक्सप्रेस। तो हम पहुँच गए अभी NH में। तो दास जी भी सेट, अभी हेलमेट
पहन के, और बिट्टू भी अपने जगह पे कंफर्टेबली बैठ गया है। उसको थोड़ा बहुत नींद आ रहा है, इसीलिए दास जी ने उसके लिए सब कुछ सेट करके रख दिया है। तो चलिए फिर यहाँ से संबलपुर और 23 किलोमीटर, और 8:20 बाकी है। हम पहुंच गए अभी प्रधानपाली का जो टोल गेट है बिजू एक्सप्रेस में। बहुत सारे टोल गेट हैं, ईच 60-70 किलोमीटर में एक है। बहुत बार हमने कार में जब हमने सफ़र किया है यहाँ पे, बहुत ही बार हमने पैसा दिया है, आज बिना पैसा का क्रॉस कर रहे हैं, तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है। तो टाइम है अभी 8:00 और हम अभी एंट्री कर रहे हैं संबलपुर, यानी कि 23 किलोमीटर हमें करीबन 20 मिनट ही लगेगी कि ये NH। बिट्टू का जो चश्मा था वो कहीं गिर गया दास जी के हाथों से, पता भी नहीं चला हमें कहाँ पे गिरा। गाड़ी स्पीड था, पता नहीं रंगाली से पहले ही उबड़ खाबड़ रास्ते पे गिर गया था। तो हम हैं अभी धनुपाली चौक से थोड़ा इधर, और यहाँ पे खरीद रहे हैं उसके लिए एक चश्मा और उसके साथ एक आर्मी टोपी। ऑसम दिख रहा है उसके ऊपर, और उसके बाद अभी खरीदेगा एक टोपी, क्योंकि धूप बढ़ रही है और बिना चश्मा और टोपी के जाना अभी मुश्किल है। तो जो भैया फुटपाथ में बेच रहे थे चश्मा टोपी स्कार्फ वगैरह, केसु को पहनाने के बाद बोले कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, मम्मी पापा का बात सुनना, नहीं तो हम नहीं पढ़े, इसीलिए तो साइड में ऐसे बेच रहे हैं, लेकिन तुम बड़ा आदमी बन के दिखाना। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं है, पढ़ाई नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप खुद का कुछ अपना करके तो गुजारा कर रहे हैं, कहीं पे हाथ तो नहीं फैला रहे हैं, वो बड़ी बात होता है। इतनी धूप में खड़ी रह के आप अभी बेचेंगे शाम तक। तो अभी बेटू खुश, और चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अभी हम हैं धनुपाली के आसपास चौक के सामने, तो यहाँ से सीधा अगर जाएंगे तो भुवनेश्वर लेफ्ट टर्न करेंगे तो फिर झारसुगुड़ा पहुंच जाएंगे, और राइट अगर टर्न करेंगे सोनपुर होके पहुंच जाएंगे हम बलांगीर। एक तरफ बलांगीर और दूसरी तरफ है बौद्ध। तो चलिए चलते हैं अभी बलांगीर। हमें संबलपुर के मदनावती स्कूल जो है उस चौक से इस चौक मतलब धनुपाली चौक तक टाउन है, टाउन क्रॉस करने के लिए हमें करीबन 25 मिनट लग गए। आप देख सकते हैं 8:25 है, बज रहे हैं अभी। तो जैसे कि पहले सीन में आपने देखा कि संबलपुर हम क्रॉस कर चुके हैं, और अभी चाय ब्रेक। सफर का आधा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और जहाँ पे भी स्टॉपेज हो रहा है घर पे फोन करके हम बता रहे हैं कि हम क्रॉस कर चुके हैं ये जगह बोल के। तो धूप 8:30 से भी बहुत ज़्यादा हो रही है आज। मैंने दास जी से कल बोला था कि कल ज़्यादा अच्छा मौसम था तो चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कुछ काम है कल जाएंगे, तो आज बहुत धूप हो रही है। 8:00 तक हम घर आराम से पहुंच जाएंगे। तो चलिए फिर कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग को। कहाँ है बीबा? क्या पीबा? बीस मिनट के ब्रेक के बाद तो 75% जर्नी हमने कवर कर ली है, और अभी हैं हम यहाँ पे मेटाकानी मंदिर के सामने अंदर, और 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाने के बाद ही मंदिर है, लेकिन ये है चौक एरिया। और यहाँ पे हम रुके हैं पानी और चाय के लिए। टाइम अभी 10:00 है पूरा, करेक्ट 10 है, और धूप का मज़ा अभी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ से घर और 7 किलोमीटर है, तो
चलिए फिर चाय पी के आगे चलते हैं। हाँ चाय पानी हो चुके हैं और अभी टाइम है 10:05। तो यहाँ से अराउंड नॉन स्टॉप हम जाएंगे, तो रास्ता बहुत ही काफ़ी बढ़िया है यहाँ से, तो एक घंटा में पहुँच जाएंगे आराम से घर, 11:30 तक घर पहुँच जाएंगे। 11:30 मैंने बहुत बोल दिया, क्योंकि एंट्री करने के बाद बलांगीर वहाँ पे हमें ट्रैफिक मिल जाएगा तो वो दिक्कत हो जाती है, लेकिन बलांगीर एंटर हम 11 बजे तक आराम से हो जाएंगे। तो चलिए, धूप बहुत ज़्यादा है, अब इस कार ढककर जाएंगे। बीटू भी पीछे बैठेगा और आगे बैठ नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है 10 बजे से, क्या करें, मई का महीना है। तो चलिए चलते हैं और एक बार जब सुविधा होगा आते टाइम, नहीं तो हम अंदर जाएंगे मेटाकानी दर्शन के लिए। तो बने रहिए ब्लॉग में। चलो चलो चलो, तो हम पहुंच गए अभी सोनपुर और ये है सोनपुर ब्रिज जो कि संबलपुर और सोनपुर को लिंक करती है, और ये ब्रिज 1.8 किलोमीटर लंबी है। तो चलिए क्रॉस करते हैं महानदी ब्रिज, और महानदी में बिल्कुल भी पानी अभी नहीं है क्योंकि ये समर सीज़न है। ब्रिज के एंड में हमें दिख गए कुछ बंदर। 40 किलोमीटर के बाद हम पहुंच गए एट लास्ट बलांगीर। एंट्री में लिखा है भवानीपटना 105 किलोमीटर, बलांगीर 2 किलोमीटर, बरगढ़ 75 और संबलपुर 130 किलोमीटर। और एंटर होते ही ये है सूतपड़ा। यहाँ से दो रास्ता है, एक सीधा और हमने जो अभी लिया है वो रास्ता। सीधा जाएंगे तो आपको रेलवे फाटक मिलेगा और इस ओर आपको ओवरब्रिज मिल जाएगा। पहुंच गए अभी बलांगीर के ब्राह्मणपाड़ा चौक में, और यहाँ से सीधा जाएंगे तो मार्केट है और राइट टर्न करेंगे तो हमारा घर है। यहाँ से करीबन 750 किलोमीटर की दूरी, किलोमीटर नहीं सिर्फ मीटर की दूरी, और ये छोटा सा ब्रिज है। उसके बाद जो घर आप देख पा रहे होंगे थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है और ग्रीन कलर का स्टॉल है, वो मेरे नाना जी का घर है, और यहाँ से घर अभी 1/2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो थोड़ी देर बाद हम पहुँच गए अभी 87 भवन जो कि है हमारा घर।